ये है सैमसंग की स्मार्ट वॉच सैमसंग गैलेक्सी S3 फ्रंटियर। इस वॉच में क्या क्या खास बातें हैं और सैमसंग ने इस वॉच में क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई हैं, आज हम आपको इस वीडियो में वही सब बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये सैमसंग की बहुत ही तकड़ी धासु स्मार्ट वॉच है सैमसंग गैलेक्सी S3 फ्रंटियर। इसमें पीछे यहाँ पर ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील की इसकी बिल्ड क्वालिटी दी हुई है। इसका ये जो बैंड है ये लेदर का नहीं है, रबराइज मटेरियल का है, रबर का ये बैंड है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये मजबूत ये बैंड है, रबर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और अच्छी बात ये है कि आप इस बैंड को यहाँ से इस तरह से खोल करके चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके अगर आपको लेदर का बैंड लगाना है आप वो बैंड भी इसमें लगा सकते हैं, दोनों साइड से आप इसको चेंज करके बैंड को चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको जो स्क्रीन दी हुई है वो आपको 1.3 इंचेस की सुपर एमोल्ड डिस्प्ले आपको इसमें दी हुई है। इसमें आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इसमें दी हुई है। ये पीछे इसके एक ग्लास है, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं इसके सेंसर्स ये दिए हुए हैं। स्टेनलेस स्टील का ये पूरा केस है, काफ़ी बढ़िया है ये। इसमें वॉच में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्पीकर्स दिए हुए हैं, इसमें माइक्रोफोन भी है, इस वॉच में स्पीकर भी हैं, इससे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं, कॉल के आंसर्स दे सकते हैं। ये इसका मेन बटन है, ऑन ऑफ करने के लिए इस बटन को आप प्रेस करके रखेंगे तो इस तरह से ये ऑन हो जाएगी। इस वॉच के साथ हमें मिलता है इसका ये चार्जर, काफी बढ़िया ये चार्जर है, ये मैग्नेटिक चार्जर है। इस वॉच को आप इस तरह से इसमें लगा करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं, मैग्नेटिक चार्जर है, इस तरह से आपकी वॉच ये चिपक जाएगी, हिलेगी नहीं, काफी बढ़िया चार्जर है। चार्जर के साथ आपको ये इस डेक के साथ आपको ये चार्जर मिलता है, चार्जिंग केबल के सहित इसमें मिलता है। आप देख सकते हैं ये पिन है, लेकिन जो इंडियन वेरिएंट में आपको राउंड पिन वाला ही चार्जर मिलेगा, ये बाहर का मॉडल है। इसका चार्जर जो दिया हुआ है काफ़ी बढ़िया है, इसमें रग्ड मटेरियल का इसमें यूज़ किया है, थोड़ी सी मैटे फिनिश इसमें दी हुई है, रबराइज मटेरियल है ये, बिल्कुल आपको प्लास्टिक महसूस नहीं होता। पीछे सैमसंग की ब्रांडिंग दी हुई है, यहाँ पर आप माइक्रो USB केबल के थ्रू इसको लगा करके चार्ज कर सकते हैं। पीछे दिखा हुआ है सैमसंग वायरलेस चार्जर, इनपुट 5 वोल्ट 0.7 एम्पियर का है, हल्का चार्जर है, वियरेबल डिवाइस के साथ हल्का चार्जर ही यूज़ करना चाहिए, अगर आप हैवी चार्जर यूज़ करेंगे तो आपका डिवाइस ख़राब हो सकता है। ये इसमें आप लगा के इस तरह से इसको चार्जिंग पर आप लगा सकते हैं, इस तरह से आप लगाएंगे तो ये देखिए इस तरह से चार्ज होना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी लाइट ब्लिंक करेगी जब ये चार्ज हो रही होगी, रेड लाइट ब्लिंक करेगी, जब पूरी तरह चार्ज हो जाएगी तो ये लाइट आपकी ग्रीन हो जाएगी। काफ़ी बढ़िया ये चार्जर डॉक वाला चार्ज के साथ दिया हुआ है। तो ये वॉच हमारी ऑन हो चुकी है, वॉच को हम ये कुछ ट्यूटोरियल इसमें दिया हुआ है, इस तरह से हम इसको ऑन करेंगे, वेरिएबल ऐप इन योर फोन, इस तरह से आपको गैलेक्सी वेरिएबल ऐप आपको डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल फोन में। दिखाए गए सैमसंग गियर S3, इस पर आप क्लिक करेंगे, सभी को आप इसको अलाउ कर देंगे, इस तरह से आप इसको पेयर करेंगे। पेयरिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इतने समय में ये पेयर होता है। तो ये देखिए आप पेयर हो चुका है। इसके साथ ही कुछ और भी एप्लीकेशंस आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो आपको वो सभी एप्लीकेशंस अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये करीब 3 एप्लीकेशंस आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी गैलेक्सी S3 फ्रंटियर वॉच को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए। इस तरह से आपकी वॉच आपके मोबाइल के साथ पूरी तरह से पेयर हो चुकी है। तो अब देखते हैं, ये हमारी वॉच है, ये इसका कुछ इस तरह से डायल आप कर सकते हैं, इसमें ये कुछ ट्यूटोरियल आ रहा है, इस तरह से आप इसमें बता सकता है कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है। प्रेस बैक की, ये आपकी बैक की है आपको बैक जाने के लिए, ये आपका होम बटन है, ये आप नीचे करेंगे तो स्वाइप डाउन, ये आपके कुछ अलग अलग ऑप्शन आएंगे इसमें, ये देखिए इस तरह से ये आपका, ये देखिए इस तरह से, ये आपका वॉच फेस है, काफी ब्यूटीफुल इसमें वॉच फेस है। अब देखते हैं और कौन कौन से वॉच फेस इसमें दिए हुए हैं। इसमें देखिए आपकी वॉच के अंदर ही ये काफी सारे वॉच फेसेस हैं, इसमें कुछ वॉच फेसेस हैं जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं।
ये कुछ ही इस तरह से वॉच फेसेस हैं, इनको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे वॉच फेसेस जो हैं आपको अपनी वॉच में ही दिए हुए हैं, बाकी सारे वॉच फेसेस आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से इसमें आप डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम यही वाला वॉच फेस सेट कर लेते हैं। इसमें इस तरह से आप इसके डायल को घुमाएंगे तो अलग अलग एप्लीकेशन इसमें आप देख सकते हैं। इस तरह से डायल भी चाहे कर सकते हैं, अलग से आप स्क्रीन को टच करके भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें सामने ही आपके फ्रंट स्क्रीन पे ही अवेलेबल हैं। ये आपका इसमें वेदर है, वेदर की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इसमें रहेगी। एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स आप इसमें लगा सकते हैं। डेली एक्टिविटीज़ इसमें आप चेक कर सकते हैं, कैलोरी बर्न या आपकी हार्ट रेट कितना है उस तरह से इसमें आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स आप इसमें डाल सकते हैं। इस वॉच में आपकी 4 GB इंटरनल मेमोरी है जिसमें आप गाने सेव कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, लेकिन 4 GB में से आपको सिर्फ 1.5 GB ही अवेलेबल आपको इसमें मिलेगी। रिमाइंडर्स इसमें लगा सकते हैं, कैलेंडर इवेंट्स इसमें सेट कर सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज है, रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, और भी अदर इसमें आप ऐड कर सकते हैं जो भी कुछ आपको इसमें ऐड करना हो इस तरह से। ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। इस तरह से आपको डायल को रोटेट करके आपको स्क्रीन टच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसमें इस तरह से डायल को रोटेट करके भी कर सकते हैं। ये आपका बैक बटन है, ये आपका होम स्क्रीन बटन है, ये बेसिकली आपके बैक बटन है। ये दो फिजिकल इसमें बटन इसमें दिए हुए हैं, ये आपका मेन होम बटन है, ये आपका बैक बटन है। ये आप इसमें सॉन्ग, अगर आपने इसमें वॉच में सॉन्ग डाले हुए हैं तो इसमें आप प्ले कर सकते हैं। न्यूज़ ब्रीफिंग है, एंटी बैरोमीटर है, विजेट इसमें आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये होम बटन में अलग अलग एप्लीकेशन इसमें दी हुई है। अभी एक फोन है, ये आपका कॉन्टैक्ट्स हैं, सैमसंग हेल्थ है, वेदर है, गैलेक्सी स्टोर आपका है, सेटिंग्स इसमें है। सेटिंग्स में इसमें क्या है, सेटिंग्स में देखते हैं, वॉच फेसेस आप चेंज कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन है इसमें आपका, ये डिस्प्ले आप इसमें कर सकते हैं, डिस्प्ले में क्या क्या ऑप्शन हैं, डिस्प्ले की ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ब्राइटनेस इस तरह से आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसके अपने हिसाब से। काफ़ी बढ़िया इसकी सुपर एमोल डिस्प्ले है तो ब्राइटनेस का तो कोई इशू इसमें रहेगा नहीं, काफ़ी बढ़िया इसमें ये डिस्प्ले इसमें दी हुई है। ये ऑलवेज ऑन और ऑफ का भी फीचर इसमें दिया हुआ है। काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस इसमें वॉच में दिए हुए हैं, कनेक्शन में, बैटरी इसमें, पावर सेविंग मोड इसमें देख सकते हैं आप, पावर सेविंग मोड कर सकते हैं, वॉच ओनली ऑप्टिमाइज, बैटरी ऑप्टिमाइज रिलेटेड, वॉच ऑलवेज ऑन, स्क्रीन टाइम आउट, लोकेशन, वेकअप जेस्चर्स, काफ़ी सारे इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। तो काफ़ी ये फीचर पैक्ड ये आपकी वॉच है, काफ़ी सारे इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। म्यूजिक है इसमें, सैमसंग वॉइस का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, ये देखिए, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें बहुत सारे हैं, दुनिया भर के फीचर्स हैं, काफ़ी यूज़फुल ये वॉच है। इसमें आपको इनबिल्ट GPS नेविगेशन भी इसमें आपको दिया हुआ है। इसकी बैटरी लाइफ जो सैमसंग क्लेम करता है वो 4 डेज की बैटरी लाइफ क्लेम करता है, लेकिन वो आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसमें क्या क्या फीचर्स ऑन करके रखे हुए हैं और क्या क्या फीचर्स में आपने ऑफ किए हुए हैं, उसके हिसाब से आपकी बैटरी लाइफ इसमें 1 दिन से लेकर के 4 दिन तक आपको इसमें मिलेगी। 380 mAh की इसमें बैटरी सैमसंग ने दी हुई है। यह आपकी वॉच वाटर रेजिस्टेंस है, डस्ट रेजिस्टेंस है, IP68 की रेटिंग इसमें सैमसंग ने दी हुई है। अप टू 1.5 meters या फिर 30 मिनट्स तक इसमें पानी में आप डाल सकते हैं, लेकिन इसको पहन करके आप स्विमिंग या डाइविंग ना ही करें तो बढ़िया रहेगा। ब्लूटूथ वर्जन इसे 4.2 दिया हुआ है। इसमें आपकी 0.7 GB रैम इसमें दी हुई है, 1.0 GHz का डुअल कोर CPU में दिया हुआ है। इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स दिए हुए हैं, एक्सेलेरोमीटर है, बैरोमीटर है, जायरोस्कोप है, हार्ट रेट सेंसर है, लाइट सेंसर है। तो अभी इस वॉच को हम कुछ टाइम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम आपको इसके बारे में सभी कुछ बताएंगे कि इसका रिव्यू कैसा है। ये डे टू डे यूजेज में सैमसंग की गैलेक्सी S3 फ्रंटियर वॉच है, ये यूज़ करने में कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सारे फीचर्स इसके किस तरह से काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, क्या ये प्राइस के हिसाब से ये जस्टिफाई करते हैं इसके फीचर्स। इसका प्राइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इसका प्राइस कितना है। तो बस यही था, तो आज हमने आपको बताया सैमसंग गैलेक्सी S3 फ्रंटियर वॉच का फर्स्ट लुक ओवरव्यू कि इसमें क्या क्या फीचर्स इसमें हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।